हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज सीट मैट्रिक रिलीज़ हुई थी एमपी की, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज और बीडीएस की कितनी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं या नहीं हुई हैं, है ना। तो गाइस, सबसे पहले अपन चलते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे। तो गाइस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इस साल एक नया कॉलेज ही खुल गया है ना गाइस। तो टोटल सीट्स इसके अंदर 127 है ना, स्टेट्स के लिए, है ना, क्योंकि टोटल तो वैसे 150 है, मगर अपने स्टेट्स के लिए 127 ही मिलेगी। तो इससे कम से कम 10 मार्क्स तक तो कट ऑफ कम ही हो जाएगा, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले साल जी नहीं थी तो सीट्स कितनी थी। बाकी सब कॉलेजेस में सीट उतनी ही है, जैसे आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। मैंने वैसे कंपेयर किया है तो सीट कोई सी इंक्रीज़ नहीं हुई है, बस एक कॉलेज बढ़ गया है। तो गाइस, अब अपन चलते हैं गवर्नमेंट की सीट्स के ऊपर। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो आपको दिखेगा यहाँ पे 200 सीट्स हो गई हैं इस साल जीआरएमसी ग्वालियर में। और वहीं जो अगर 2020 का देखें तो वहाँ पे आपको 180 सीट्स दिखेंगी ना गाइस। यहाँ पे 20 सीट्स का इंक्रीमेंट अपने स्टेट के लिए नहीं हुआ है ना, अपने स्टेट के लिए केवल 17 हुआ है, क्योंकि कुछ सीट ऑल इंडिया में चले जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ 2020 पे 27 सीट्स थी और इस साल आपको यहाँ पे 30 सीट्स दिखेंगी। तो गाइस, 3 सीट्स तो ऑल इंडिया में चले गई हैं, है ना, और कुछ जीओआई में भी चले, जीओआई में नहीं गई। ठीक है गाइस। तो गाइस, थोड़ा अपन कैटेगरी वाइज देख लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो गाइस, जैसे कि हम कैटेगरी वाइज देखें, तो कैटेगरी वाइज अपन को दिख जाएगा, है ना, कि जनरल की इस साल जीआरएमसी में 60 सीट्स हो गई हैं, और वहीं ग्वालियर लाइक पिछले साल इनकी 53 थी। तो टोटल 7 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है यूआर कैटेगरी के लिए, और एसटीएससी की कैटेगरी के लिए 5 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो गाइस, इतनी ज़्यादा सीट्स तो इंक्रीज़ नहीं हुई, मगर जो बाउंड्री पे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, है ना, क्योंकि बाउंड्री पे एक एक मार्क्स भी, एक एक सीट भी बहुत मैटर कर जाती है ना गाइस। तो अपन चलते हैं थोड़ा SN, PWD और इन सब की कैटेगरी की तरफ। तो गाइस, इन सब की सीट्स इंक्रीज़ नहीं हुई है इस साल, है ना फ्रेंड्स, मतलब कि इनकी सीट्स इंक्रीज़ नहीं हुई है SN कोटा की। मैंने पिछले साल से कंपेयर किया था, तो ये हैं सब, इन सारे सीट्स जो आज भी उतनी सेम है, 194 जितनी 2020 में थी, है ना। बस एक प्राइवेट कॉलेज में एक नया कॉलेज खुल गया है जिसमें आप देख सकते हैं 150 सीट्स हैं, है ना, मगर MP में केवल 127 सीट्स मिलेंगी, क्योंकि क्योंकि कुछ NRI के लिए भी जा रही हैं, सॉरी मैंने AIQ बोल दिया था, कुछ AI तो NRI सीट से 23 चले आती, तो 127 बचती हैं, है ना गाइस। तो और आगे चलते हैं अपन। तो गाइस, BDS की बात करें तो BDS में कोई सीट्स का इंक्रीमेंट तो नहीं दिख रहा, बल्कि थोड़ा डिडक्शन दिखा था मुझे, है ना। सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा यहाँ गलत बोल दिया था कि BDS, सॉरी, सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, है ना, जैसे कि मैंने थोड़ा गलत देख लिया, यहाँ 2020 में दिख रहा था, मगर मैंने आके देखा नहीं, यहाँ 2022 भी लिखा है ना। तो BDS की आप देख सकते हैं टोटल सीट आपको यहाँ पे 999 दिख रही हैं, है ना, इस साल के 21 से लेकर 22 तक। और वहीं आपको यहाँ पे 985 दिखेंगे 2020 में, है ना। तो गाइस, मैं थोड़ा यहाँ डेट में कंफ्यूज हो गया था ईयर्स में, तो यहाँ पे आपको 985 दिखेंगी और वहीं आपको यहाँ पे 999 दिखेगी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, और आगे कल मेरिट लिस्ट आएगी तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कट ऑफ का, है ना। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।